हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार को रोकने के प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कृत संकल्प है, लेकिन धरातल पर विभिन्न रूपों में संगठित भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी के मामलों में बढ़ोतरी होने से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस को धक्का पहुंचना स्वाभाविक है। आरटीआई से हुआ खुलासा है कि 5 किलोमीटर सड़क को पक्का करने के प्रति लोक निर्माण विभाग ने दस्तावेजों में 2,47,00,000 रुपए कर दिए, लेकिन धरातल पर सड़क की दशा सुधरने की अपेक्षा और दयनीय हो गई। ये मामला जिला बिलासपुर की निहारी बर्टिन सड़क मार्ग का आया पेश, जिसके चलते ग्रामीणों में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली के प्रति भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित ग्रामीणों को न्याय प्राप्ति के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इस संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारी कैमरे के आगे कुछ भी कहने के प्रति आनाकानी कर रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि नहारी बर्टी को पक्का करने के नाम पर 2,47,00,000 रुपए लोक निर्माण विभाग के काबिल अधिकारियों ने खर्च तो कर डाले, मगर धरातल पर जमकर भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हो सका, जिसका खामियाजा स्थानीय जनता को दुर्घटनाओं के रूप में भुगतना पड़ रहा है। संबंधित क्षेत्र की जनता ने प्रदेश सरकार से मांग की कि शीघ्र निहारी बर्टी सड़क मार्ग में बरती गई कोताही व जमकर किए गए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए, अन्यथा ग्रामीण आगामी विधानसभा के चुनावों में विरोध स्वरूप नोटा का प्रयोग करेंगे, जिसके प्रति सरकार उत्तरदायी होगी। मैं प्रधान कोटलुबरावना पुष्पा कुमारी जी। सर, जैसे आपने देखा है कि क्या हालत है रोड की, सर लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है इससे। पब्लिक ने, हमने सब ने विभाग को सचेत कराया इस बारे में, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है। रिस्पांस सिर्फ मिट्टी आती है जी, मिट्टी भरते हैं, बारिश होती है और फिर से खाली हो जाता है रोड, तो इससे मतलब लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जी। सर एक्सीडेंट तो होते हैं जी, काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड पे जी। सर बोला तो गया है उनको, लेकिन आज तक कोई रिस्पांस नहीं है सर इससे, तो क्या अब तक अब विभाग इससे ज़्यादा और क्या चाहता है, कितनी बड़ी दुर्घटना हो इस रोड पे, पता नहीं, अब ये नहीं समझ आता। और फिर यही है, वे पब्लिक इकट्ठा होगी और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, धरना देंगे। श्री कृपा राम गाँव, ये दिसंबर 2017 से 1.5 साल का इसका टेंडर हुआ था, और 1.5 साल होने के बाद आज लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, और आज तक इसकी ऐसी दुर्दशा है कि अपग्रेड से पहले काफ़ी अच्छी सड़क थी, जब भी पक्का करने लगे उसके बाद इसकी जो है उससे कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, और इस टाइम इसमें लगभग प्लस अला टू बैठी कोई 700-800 खड्डा होगा कम से कम, और कलर मोड़ से निहारी तक भी इतना होना 700-800 खड्डा। पांच बार मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई और 4 बार उनका जवाब आया, और इंजीनियर इन चीफ को उन्होंने लेटर भेजा, आज तक कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद 2 बार डीसी महोदय को लिखा, उनका जवाब आया, कोई विभाग के से कोई चिट्ठी नहीं आई। उसके बाद इंजीनियर इन चीफ को 2 बार लिखा, उसका कोई जवाब नहीं आया। एक्शन को 3 बार लिखा, कोई जवाब नहीं आया। SDO को 3 बार लिखा, एक जवाब आया था कोई 8-9 महीने पहले कि ये समस्या आपकी पूरी कर देंगे, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पर इसमें ऐसा हो सकता है कि जो भी विधायक या मंत्री है उन्होंने कोई अपने आदमी भी रखे होंगे, या कोई ठेकेदार के साथ कोई मुंशी या कोई, उसकी वजह भी हो सकती है इसमें। इसमें जो नालियाँ थी, और मैंने RTA ली, और RTA में एक्शन जनुता ने साफ लिखा है कि ये कार्य जो है अप्रैल 2020 में पूर्ण हो चुका है, और इस पर 2,47,00,000 खर्चा हो चुका है, जबकि मौके पर इस पर कोई 25% भी खर्चा नहीं हुआ होगा, तो इन्होंने गलत लिखा है सरासर। और मौके पर आप भी देख सकते हैं कि अपनी रिपोर्ट भी दे सकते हैं कि वाकई ही मौके की स्थिति ठीक है कि गलत, खड्डे हैं नालियों में,
सीएमओ साहब को भी एक लेटर लिखा था कि इसमें कोई गंदगी से कोई डेंगू या कोई बीमारी फैल सकती है, तो ये 1.5-2 महीने हो गए अभी तक कोई भी मौके पर नहीं आया। वाकई ये पक्की होनी चाहिए। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं यहाँ 3 सालों से रह रहा हूँ। यहाँ मेरा लोक मित्र केंद्र साथ में, तो इस सड़क की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कल्लर मोड़ से लेकर बरठे तक तकरीबन जैसा यहाँ बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, कईयों की टांगे टूट चुकी हैं। और ये जैसे परे यहाँ कोई कहीं भी नाली वगैरह कोई कहीं नहीं बनाई गई है। सड़क इस पे तकरीबन 1 करोड़ रुपए आया हुआ था कि बिली वक्त से हुआ ये। अभी जैसे 1-2-3 रोड और बने तो बहुत अच्छे बने हैं, वहाँ बहुत ही अच्छे रोड बने हैं, परंतु इसके ऊपर तो बहुत ही घोटाले की बू आ रही है। जैसे इलेक्शन आ रहे हैं इसमें नेताओं को बताएंगे कि या तो हम इनको वोट नहीं करेंगे, नोटा डाल देंगे बेस्क, और जी ठेकेदारों से वोट लें या आगे आने वाले चुनावों में। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए घुमारवी बिलासपुर से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट।